अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ अपनी रमज़ान मेमोरी शेयर कर रही हूँ। आज मेरी सिस्टर ने दावत रखी थी, और चूँकि रमज़ान के दिन हैं तो इस वजह से पहले हमें इफ्तार पर बुलाया था और इसके बाद रात का खाना भी था। मैं सिस्टर के घर जल्द ही पहुंच गई थी, तकरीबन 4 बजे, और यहाँ पर देखा मैंने तैयारी चल रही थी इफ्तार की। फिर मैं सिस्टर से मिली, सिस्टर की बहू से मिली, और यहाँ पर माहम भी मौजूद थी, तो रैयान तो काफ़ी खुश हो गए। आलू के पकोड़े यहाँ पर बन चुके थे और सिस्टर जी थी, पानी वगैरह रेडी कर रही थी, जूस वगैरह उन्होंने रेडी किया। फिर मैं बाहर आ गई, मैंने देखा बाहर उनकी मुर्गियां हैं, चलो मैंने कहा वीडियो बनाती हूँ। पौने 5 बज चुके थे, असर की नमाज का टाइम हो चुका था, तो मैंने फिर असर की नमाज अदा की और कुछ रमज़ान के वज़ाइफ पढ़े। 6:15 बज चुके थे, अभी तक तो कोई भी गेस्ट नहीं आया था, और यहाँ पर तले जा रहे थे पकोड़े प्याज के, और कुछ ही देर में सारी चीज़ें रेडी हो गई थी, गुलगुले भी रेडी हो गए थे, खजूरें वगैरह सब ही चीज़ें सेट कर ली थी प्लेट्स में, और यहाँ पर समोसे और रोल्स भी आ चुके थे और जलेबी भी थी मज़ेदार सी। अभी भी खेलती है माँ, अभी भी खेलती है माँ, नहीं मानो कैसे रैयान बॉल का निशान है। इफ्तार का टाइम तकरीबन होने ही वाला था, हमने दस्तर पर सब चीज़ें सेट कर ली थी और बाकी सब भी आ गए थे। जैसे ही रोज़ा खुलेगा सब रोज़ा खोलेंगे। कुछ देर में रोज़ा खुला और फिर हम सब ने रोज़ा खोला, फिर कुछ देर बाद नमाज़ पढ़कर चाय पी, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, सारी चीज़ें ही बहुत अच्छी बनी हुई थी। इसके बाद हम लोग बैठ गए, हम सब ने बातें बातें की, रैयान और मामू जो हैं खेल में लग गए। कुछ देर में खाना भी लग गया था, फिर हम सब ने खाना एंजॉय किया, बड़ी मज़ेदार सी बिरयानी थी, कढ़ाई और मीठे में ज़रदा था, माशाल्लाह से सारी चीज़ें बहुत मज़े की बनी थी। अब सब खाने से फारिग हो चुके थे, माहम और रैयान और अजलान जो हैं क्रिकेट खेलने में मसरूफ़ हो गए, और यहाँ पर कुछ बच्चे पबजी खेल रहे थे। कुछ देर में एहसान भी आ गए रैयान अजलान और माहम के साथ खेलने के लिए। अरे मारो, अरे हाथ डाल रहा है बस, में हाथ डाल रहा है कालू।
अभी मैं सिस्टर के घर ही थी कि मेरे जेठानी के बच्चे भी यहाँ पर आ गए थे, आए तो मेरे घर थे, फिर हमने उन्हें यहीं बुला लिया था और फिर ये सब बच्चे मिलकर क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। नाइट मैच है इन लोगों का, तो हमने सोचा इनके आए तक हम लोग सिस्टर के घर ही स्टे करते हैं। फिर हम सब मिलकर ओनो खेलने लगे और आज हमारे बचपन की बहुत सी यादें याद हुई कि हमने ओनो के बाद और भी डिफरेंट गेम्स खेले जिसमें बहुत मज़ा आया। आगे आप मेरी वीडियो कंटिन्यू देखें कि आगे हमने मज़े के कौन से गेम्स खेले। और वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्या लिख रही है, मुझे तो नजर भी नहीं आ रहा। पाइनएप्पल कौन कौन से लिखे हैं, पाइनएप्पल पाँच लोग हैं ना, और बनाने पाँच बनेंगे, पाँच लोगों की पाँच 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 मेरी पाँच इधर दे दो, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। मैं करूँ क्या चाहिए, आओ। खेलते खेलते हमें 3:30 बज गए थे, फिर हमने सोचा घर चले जाएं, बच्चे भी खेल कर आ गए थे क्रिकेट, लेकिन फिर सिस्टर ने हमें जाने नहीं दिया और फिर सैरी भी हमने यहीं की। अब जल्दी जल्दी हम लोग बना रहे हैं पराठे, मेरी सिस्टर के लिए बना रहे हैं पराठे और साथ में ऑमलेट फ्राई हो रहे हैं। यहाँ पे मेरी सिस्टर जो है सालन वगैरह गर्म कर रही हैं चूल्हे से। यहाँ हम सब ने मिलजुल कर सैरी रेडी की, फिर सब ने मिलकर सैरी की और मेरी जिठानी के बच्चे भी यहीं पर आ गए थे क्योंकि हम लोग यहीं थे तो हमने उन्हें भी यहीं बुला लिया था। सैरी वगैरह से फारिग होकर फिर हम लोग नमाज से फारिग होकर और इसके बाद हम सब अपने घर गए। घर जाते जाते हमें 6 बज चुके थे। काफ़ी देर खड़े होकर यहाँ पर भी सब बातें करने लगे,
इसके बाद हम गए घर और आप लोगों ने मेरी वीडियो एंजॉय की। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया ब्लॉग लेकर। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।